सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। आरके महिला कॉलेज गिरिडीह में आज एनएसएस इकाई एक और दो तथा श्रेया क्लब और रेड क्रॉस गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रोफेसर संजीव सिन्हा, राखी सिन्हा तथा सौमित्र समंता तथा दो अन्य छात्राओं ने रक्तदान किया। कुल 5 यूनिट रक्तदान किए गए। मौके पर डॉक्टर निवेदिता, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर अनुजा, प्रोफेसर सुशील राय, प्रोफेसर संजीव सिन्हा, प्रोफेसर नम्रता मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर सुशील राय ने कहा कि रक्तदान से बड़ा इस वक्त और कोई दान नहीं हो सकता है। हम सबों को मिलकर अपने परिवार में यह परंपरा बनाने की जरूरत है। वह कम से कम एक वर्ष में एक बार रक्तदान अवश्य करें। एनएसएस के अधिकारियों ने कहा कि खून का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए दान करने की परंपरा बनाने की जरूरत है। गिरिडीह से चंदन पांडे के साथ चैताली पाठक की रिपोर्ट। आरके महिला कॉलेज में एक रक्तदान शिविर लगा दिया द्वारा। अभी तक भी 50 आदमी का रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन अभी तक भी हम लोग लक्ष्य है कम से कम 20, अभी तक भी 5 हुआ। हम लोग गिरिडीह जिला में रेड क्रॉस का तरफ कोशिश कर रहे हैं, गांव गांव में घूम के, कॉलेज कॉलेज में घूम के रक्त का कमी गिरिडीह जिला में कोई पेशेंट को होना नहीं चाहिए। रक्त बिना हम लोग कोई पेशेंट को मरने नहीं देने का कोशिश कर रहा है। प्रशासन का तरफ से भी, हम लोग को रेड क्रॉस का तरफ से भी हम लोग को ही सोचना है। हम लोग कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा रक्त देने का। थैलेसीमिया जो पेशेंट था उनको सेवा करें, जैसे रक्त रक्त बिना एक थैलेसीमिया पेशेंट को मरना गया। नमस्कार, मैं NSS यूनिट 2 का प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। मैंने आज रक्तदान दिया किया है, एक बहुत अच्छा चीज़ है और सब नागरिकों को करना चाहिए, इससे कई लोगों का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद। आज महिला कॉलेज गिरिडीह में रक्तदान का शिविर लगाया गया है और यहाँ के जो भी लड़की लोग हैं, गर्ल है, बहुत उत्साह देखा जा रहा है कि बहुत लोग उत्साह से देने के आई हुई है, मगर कुछ लोगों का ब्लड मतलब 12 ग्राम से कम है, इसलिए हम लोग नहीं ले सकते हैं। और जितने भी और भी लोग यहाँ पर दिए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं महिला कॉलेज के जितना भी टीचरगण हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी चाहता हूँ किसी प्रकार का। हमारे सुमित जी भी यहाँ पर दिए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और एक बार भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से तमाम महिला कॉलेज के जितना भी स्टूडेंट हो, टीचर हो, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।